आज की इस वीडियो में मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि आपको दिए हुए सैंपल में अगर डबल बॉन्ड है तो आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा ऑरेंज से कलरलेस की तरफ। अगर आपके सैंपल में कोई हाइलाइट ग्रुप्स हैं क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन तो आपको क्या करना है कि सैंपल को डिसॉल्व करके हीट करना है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड इथेनॉल के साथ और उसको न्यूट्रलाइज करना है एसिड से। आप टेस्ट करके देख लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो बेसिक नेचर का होगा, लिटमस पेपर टेस्ट रखेंगे और उसको एसिड से न्यूट्रलाइज करेंगे। जब न्यूट्रलाइज करेंगे और सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो कुछ प्रिसिपिटेट आएगा, उस प्रिसिपिटेट का कलर आप चेक कर लीजिए। अगर वाइट कलर होगा तो आप समझ जाएगा कि क्लोराइड प्रेजेंट, अगर थोड़ा क्रीमी टाइप का होगा तो आप समझ जाएगा कि ब्रोमीन है और अगर येलो टाइप का है पीला है तो आप समझ जाइएगा कि वो आयोडीन। तो आपको क्या करना है हैलोजन के लिए या हाईलाइट के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है एसिड से और फिर सिल्वर नाइट्रेट उसमें ऐड करना है। आफ्टर एडिशन सिल्वर नाइट्रेट आपको लुक आउट करना है कि प्रिसिपिटेट की कलर क्या है। अगर कलर वाइट है तो क्लोरीन प्रेजेंट है, क्रीम है तो ब्रोमीन प्रेजेंट है और येलो है तो आयोडीन प्रेजेंट। उसी तरह आपको प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल की टेस्ट करना है। अगर प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है तो कैसे करेंगे इसको, पहले एसिडिफाई करेंगे उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। एसिडिफाइड किसके साथ करेंगे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट कलर चेंज करेगा फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। सेम एज आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की टेस्ट करना है 2,4-DNP से, जिसको 2,4-dinitrophenylhydrazine कहते हैं। बोथ गिव ए येलो और ऑरेंज और रेड, ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट देगा। वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अब स्पेसिफिक जाना है कि कीटोन है कि एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए फेलिंग और बेनेडिक सॉल्यूशन वो आपको रेड प्रिसिपिटेट देगा और टॉलेंस रिएजेंट से सिल्वर मिरर मिलेगा। तो इससे ख़ास पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड है, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग और बेनेडिक सॉल्यूशन इज ए स्पेसिफिक फॉर एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सोडियम कार्बोनेट इफर्वेसेंस होगा, वो अच्छी खासी आवाज़ आएगी, गैस फॉर्म्स ए वाइट प्रिसिपिटेट विथ लाइम वाटर, और जो गैस है अगर उसको आप लाइम वाटर से पास कराएंगे तो वाइट प्रिसिपिटेट मिलेगा।